वाराणसी में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार पहुंचे काशी, किसानों से किया संवाद और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। बोले पीएम मोदी, मां गंगा ने मुझे लिया है गोद में, यहीं का हो गया। पीएम मोदी ने किसानों को दी सौगात, किसान सम्मान निधि की जारी की 17वीं किश्त, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में गए 20,000 करोड़ रुपए, कृषि सखियों को भी दिया प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, भव्य गंगा आरती में पीएम शामिल हुए। जेपी नड्डा की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद, महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन, हरियाणा पर पहले हो चुकी है चर्चा। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए में मंथन जारी, सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने सहयोगियों से मांगे नाम और सुझाव, सहयोगियों ने कहा वो पीएम मोदी के फैसले के साथ। कल बिहार के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा बिहार के सीएम और एनडीए के कई बड़े नेता होंगे मौजूद, 17 अन्य देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी बढ़ाएंगे समारोह की शोभा। नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा 0.01% भी गड़बड़ी हुई तो होगी कठोर कार्रवाई, 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। नीट परीक्षा में धांधली पर राहुल गांधी बरसे, कहा बीजेपी शासित राज्य बन चुके हैं पेपर लीक के एपिसेंटर, पीएम अब तक इस मामले में मौन क्यों। नीट परीक्षा विवाद पर सियासत तेज, दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज, संजय सिंह बोले संसद में उठाएंगे छात्रों का मुद्दा। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगी मन की बात कार्यक्रम, 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए मतदाताओं को देगी धन्यवाद। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विरोधी प्रत्याशी को लेकर अटकलें तेज, राहुल से हारने वाली सीपीआई की एनी राजा ने कहा पार्टी लेगी फैसला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को चैलेंज किया, कहा वाराणसी की सीट से दोबारा लड़ें चुनाव, अगर जीते तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सचिवालय पहुंचकर संभाला कार्यभार, समर्थकों ने रास्ते में स्वागत किया। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कसी कमर, हिमाचल की एक और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए दक्षिण 24 परगना के अमताला पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, पीड़ितों से की बात, कहा ममता सरकार के पाप का घड़ा फूटेगा। अररिया के पड़रिया घाट पर उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ करोड़ों का पुल, पुल के 3 पिलर नदी में गिरे, 12 करोड़ के बजट में बना था पुल। पटना एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी, चप्पे चप्पे पर बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा बल। पुडुचेरी में एलजीसीपी राधाकृष्णन ने बजट पेश किया, बोले लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश। योग दिवस की तैयारियां तेज, दिल्ली के लोधी पार्क में योग शिविर का आयोजन, 21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी 3.0 के लिए अमेरिका से आई गुड न्यूज, अब 7.2% की दर से दौड़ेगी भारतीय इकोनॉमी, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का दावा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी, राजधानी में गर्मी और लू का रेड अलर्ट, कल से राहत के आसार। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग, 8,560 मेगावाट पहुंची डिमांड, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें।